कोटा नगर निगम में पट्टा वितरण को लेकर उलझन अब तक दूर नहीं हो रही है। राशि जमा होने के बावजूद आवेदनकर्ता नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं और ना तो जन प्रतिनिधि और ना ही अधिकारी स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। आज पट्टे की मांग को लेकर आज बंदा धर्मपुरा सहित अन्य कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने आज अतिरिक्त आयुक्त जवाहरलाल जैन ने आयुक्त सरिता के नाम ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दस्तावेजों की आवश्यकता कार्यवाही पूरी करके उनसे राशि जमा कर दी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय पट्टों का वितरण रोक दिया गया था। इन कॉलोनी के 300 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनमें अभी तक सरकार के आदेश के बाद भी पट्टे जारी नहीं किए गए, जिसको लेकर लोगों ने रोष व्याप्त है। इस मामले में उपमहापौर पवन मीणा का कहना है कि राज्य सरकार जनता को पट्टे नहीं देना चाहती है और इसलिए आदेश जारी करने के बाद भी वितरण को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। यह जनता के साथ अन्याय है। ये हमारे नया गाँव है, आंवली है, रोजड़ी है, बंदा धर्मपुरा, सब गाँव प्रभावित है। और पहले मतलब कांग्रेस सरकार के टाइम पे सबके पट्टों की फाइल बनी हुई है और रसीद कटी हुई है, लेकिन अभी तक तो कोई पट्टे नहीं दे रहे। कई बार हम लोग अधिकारियों से मिले, उपमहापौर साहब से मिले, हमारे पार्षद जी से मिले, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है। देखिए, कांग्रेस सरकार के समय से हमारे लोगों के पट्टे अटके हुए पड़े, जिनमें मांग पत्र भी जारी हो चुके, राशि जमा हो चुकी है, लेकिन निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया है। सरकार के आदेश आए हुए एक महीना हो गया, फिर भी अभी तक किसी को पट्टा नहीं दिया। गत सरकार जो कांग्रेस सरकार जो छोड़ के गई थी, जो सारे नियम बना के गई थी 69A के, जो पट्टों के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनके तर्ज पर कई सारे पट्टे रुके हुए थे। ये पिछले इन दिनों में पट्टे बांट भी नहीं पाए। हम लोगों ने कई सारे पत्र जो है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखे, मंत्री जी को भी लिखे, हमने जो मुख्य शासन सचिव है उनको भी हमने पत्र लिखे, और हमारे जो नगर निगम कोटा दक्षिण के जो अधिकारी हैं उनको भी हमने कई बार मौखिक तौर पर और पत्र के माध्यम से हमने उन्हें अवगत भी करवाया कि भाई आप लोगों को जो है पट्टे दें। पर एक रिव्यू के नाम पर जो है इन्होंने एक आदेश निकाला कि 10 तारीख से पहले पहले जो है पट्टे दिए जाएँ। साफ साफ उस आदेश के अंदर तारीख का उल्लेख कर दिया, और उसके बावजूद भी आप ये मान के चलें कि कोटा नगर निगम दक्षिण में एक पट्टा भी नहीं दिया गया।